गीता जयंती का फर्स्ट ब्लॉग जहाँ से हमने एंड किया था, दूसरा मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। मैं उसी डिवाइडर लाइन पर खड़ा हूँ जो मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दिखाया था, जिसके हाफ राइट हैंड साइड जो मेरे इस टाइम है ये हमने कवर कर लिया था, आज करेंगे लेफ्ट वाला। आज थोड़ा अर्ली आया हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको थोड़े से कल्चर इवेंट भी यहाँ पे जो होते हैं वो दिखा सकूँ। बाकी चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या दिखता है आगे। भीड़ काफ़ी है आज यार, आज है फ्राइडे वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि फिर सैटरडे संडे तो काफ़ी ज़्यादा होगी। और हाँ, मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। डिजाइन बनाने का सा ड्राइंग, जो मर्जी डिजाइन बना लो, पेन से किसी भी चेहरे पे पेन रखे, ओनली रिंग में टच करना है, ये बन के तैयार। लाल, हरा, नीला, बॉल पेन, जेल पेन, ड्राइंग बनाने और डिजाइन कलर चेंज, हर होल से डिफरेंस है डिजाइन, सब उसमें लिखा है पैकेट के अंदर में बनाने का, पूरा सेट आता है, बस घुमाते रहो चलाते रहो। लंबा डिजाइन बनाने का तो ऊपर ऊपर सरकाना है, सरकाने से लंबा डिजाइन बनेगा, बस ऊपर ऊपर आगे आगे बढ़ाते रहो सरकाते, बहुत सारा डिजाइन है। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से, हाँ। तो कितने दिन हो गए? यानी कि तीन दिसंबर को आया था। अच्छा, तो वापसी कब की है? वापसी अब ये मेला खत्म होने के बाद। 19 को हो रहा है मेला तो खत्म? हाँ, 19 को। 19 को ही वापसी? हाँ, 19 को निकल जाएंगे। तो कितने बिक जाते हैं? वही 800-900 हज़ार हो जाते हैं। बिक जाते हैं इतने पीस? हाँ, इतना। कितने का है पीस? 30 का पैकेट। 30 का पैकेट है? हाँ सर। ऐसा क्यों होता है कि कई बार कैमरा उठाए उठाए जीवन का कुछ अलग पहलू देखने को मिल जाता है? जरा सोचिए, इतने सुंदर फूल बेचने वाले का जीवन इतना कांटो भरा क्यों दिख रहा है? कमेंट कीजिएगा। क्या चीज है ये? ये फसल है जी। ये गत्ते के बने हुए? हाँ जी, हाँ जी, हम हाथ से बनाते हैं। हाथ से? हाँ जी। तो कैसे बनाते हो? काट पीट के? नंबर जाने काट पीट का। अबे खुद बनाने हैं। ये देखो, 50 नंबर है यहाँ पे, 50 नंबर। नंबर मैच करना होता है। जो नंबर होते हैं जैसे एक है तो एक को एक के साथ। कितने का है पीस? 100 रुपये। ये कितने का है? 250 का। 250। कितने का है जी ये वाला? 80 रुपये का। ये 60 रुपये का। कौन सा? 80 का है ये वाला? ये 80 का। और 60 वाला कौन सा? ये वाला। अच्छा, इसमें थोड़े पंख कम है। हाँ, इसमें 3 चंदे हैं, इसमें 6 चंदे हैं। 3 डंडी, 6 डंडी। आई परचेज 2 पीसेस। ये भोलेनाथ जी की कितने की है जी? हाँ जी, नहीं जाएगा मेरा, जाएगा ना। 25 आगे, 25,000 की। कौन सी मेटल में है ये? ब्रास मेटल। ब्रास में ये पीस है भाई,
25,000। ये वाली 15,000 रुपए की है, ये 12,700 रुपए की है, 19,000 की कंगनंदी, और ये जो झूला है ये 13,000। ये कितने की है जी? हाँ जी 200। ये है जी 200 की, 250 का। अच्छा जो बड़े वाला बीच में है ये कितने की है? 800। मेरे सामने अभी कोई कल्चर इवेंट की आवाज़ आ रही है, कोई गाना वाना चल रहा है, पर भीड़ बहुत है यार, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मजाक कर रहा था यार। ये लैपटॉप बैग है? हाँ जी सर। क्या रेट है इसका? 1200 रुपये का है। 1200 का? तो ये प्योर लेदर में है? लेदर राइट में होता है, प्योर लेदर में नहीं। प्योर लेदर में नहीं आता, प्योर लेदर में कोई भी नहीं मिलेगा आपको? वॉलेट मिलेंगे, ग्लव्स मिलेंगे प्योर लेदर में, फेस वॉश प्योर लेदर में मिलेगा, एटीएम कार्ड रखने के लिए प्योर लेदर में मिलेगा। झारखंड से है सर? झारखंड से। तो ये सारा आप वहीं बनाते हैं मैन्युफैक्चर? हाँ जी, ये आइटम जो बनाते हैं ये झारखंड में बनती है, बाकी कुछ आइटम देखो ना, ऐसा तो सारी आइटम तो हम लोग लेके नहीं मतलब आ सकते, वो हर एक आइटम लेदर की नहीं होती, कुछ हमें लेना पड़ता है, किसी और से भी लेना पड़ता है ताकि थोड़ी वैरायटी बन जाए। हमारे जो हैं लेदर पर्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, बेल्ट हैं, हैंड पर्स हैं लेडीज़ में, और हैंड किट हैं जैसे लेदर में। तो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? जी हाँ सर। खुद ही बनाते हो? नहीं हम नहीं बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं वो घर पे हैं, हम बेचने वाले हैं। कौन सा चैनल है भैया? नेचर एंड एडवेंचर। मेरा चैनल नेचर एंड एडवेंचर। Flying to the forces above his life and crying so much to the poltergeist, trying to hold on a love but it's forced a nice time, so much but a light from a falling sky, flying to the forces above his life, keep holding on to this present time, inspired by the world's ever loved. हमने डोनेशन जरूर दिया है पर मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया यार। दान तो गुप्त ही अच्छा लगता है, सीक्रेसी होनी चाहिए, दिखा के भी दान दिया तो क्या दिया। मिट्टी के बर्तनों के शौकीन ये जगह काफी पसंद करने वाले हैं। लकड़ी के बड़े अच्छे सेट रखे हुए यार, डाइनिंग सेट भी हैं, टेबल सेट भी हैं, अच्छा काम कर रखा है। वो टेबल दिख रही है आगे, वो 18,000 का सेट है। 18,000 का? हाँ। तो ये जो छोटी टेबल है ये 12,000 का सेट है। अच्छा ये दो तीन जो रखी हैं? हाँ जी। इधर वाला 3,000 का? ये 3,000 का है। पंजाब से हैं? तो ये खुद बनाते हैं? हाँ जी सर। खुद ही? हाँ जी भाई। आपने मैन्युफैक्चरिंग अपने कहाँ पे? पंजाब में।
बठिंडा ही। हाँ जी बठिंडा। बठिंडा हाँ बठिंडा। तो ये कौन सी लकड़ी होती है? शीशम सर। शीशम है? हाँ जी। सारी चीज़ें जितनी भी होंगी शीशम की हैं। शीशम भी है, नीम भी है। नीम भी है, नीम की कंघी है। तो नीम को कहाँ यूज़ करते हैं? हाँ जी नीम को कौन से उसमें यूज़ करते हैं? नीम कंघी सरके वाले के लिए कंघी है नीम की। हाँ जी कंघी है नीम की। कंघी अच्छा अच्छा कंघी कंघी। कितना प्राइस है चम्मच का? 50 रुपीज़। तो जिस तरह कोई पैकेट लेता है तो कुछ फर्क पड़ता है? पर पीस, पर पीस ही है। आप कहाँ से हैं राजस्थान में? नागौर। हाँ जी नागौर। नागौर तो ये जो प्रिपरेशन का सामान है सारा साथ लेके आए थे? साथ में ही सब साथ में लगे लेके आते हैं गांव से। ये मूंग की दाल की पकौड़ी बन रही है। मूंग की दाल की पकौड़ी बहुत ही फेमस है हमारे राजस्थान में। ये दाल बाटी है। अच्छा, बाटी है। अच्छा ये है पसरंगी दाल। दाल ये बेसन गट्टे की सब्जी। बेसन गट्टे की सब्जी। ये है मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का देसी घी का हलवा। ये चूरमा लड्डू है। चूरमा लड्डू देसी घी का बना। ये फ्राई करके बनाते हैं क्या? अरे फ्राई करते या रोटी का? नहीं उसको पहले मोट मोट का फ्राई करते, फ्राई करके पीसते, पीस के लड्डू बनाए जाते हैं देसी घी के। कैसा है? टेस्टी है बहुत। अच्छा किस किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है? थोड़ा सा घी का आ रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा हलवे का आ रहा है। हलवे का टेस्ट के लिए मैंने एक जलेबी ली है ताकि पता लगाया जा सके क्या टेस्ट है। अगर अच्छी लगी तो इसको अच्छी क्वांटिटी में लूँगा। बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, किलो आधा किलो लूँगा इसको। March, but a light from a falling sky. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the. कैसे दिया कावा? 50 रुपए कप। 50 रुपए कप। पहचाना मेरे को? नहीं आपने भी नहीं पहचाना? हाँ देखा मैंने आपको। हर साल आपसे लेके जाते हैं फ्रूट बादाम। इसमें क्या क्या डालते हो? दालचीनी, इलायची, मराठी, केसर, शहद, ये सब होता है। तो ये इस बर्तन की क्या खास बात है? इसमें गर्म रहता है, इसमें कोयला डालते हैं बीच में से। अच्छा तो इसके ऊपर फिर ये ढक्कन होता है जिससे गर्म रहता है। ये जो इस जगह पे इसमें कोयला डालते हैं इसमें से।
तो भाई जान मेरे हाथ में है काबा और मैंने लिया है बिल्कुल सामने दुकान से, और ये दुकान कश्मीरी केसर काबा करके दुकान है। और हर साल यार हम यहाँ से काबा ज़रूर पीते हैं। चांस की बात यह है कि हर बार हम इसी फैमिली से ही केसर काबा पीते हैं, यही आते हैं शायद वहाँ से कश्मीर से। और टेस्ट तो काबा का कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा होता है। इंजॉय कर रहे हैं यार, सनसेट हो रहे हैं, वाला है बाकी ऑलमोस्ट हो ही चुका है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। साथ में है ब्रह्म सरोवर, गीता जयंती का तो मज़ा ही रहा है, काबा हाथ में है और क्या चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन 1200 रुपये। पंजाब में कहाँ से हैं यहाँ? पटियाला। पटियाला ये सारा हैंडमेड ही है? हाँ। For the light of a falling sky, flying to the forces above this life. जो ये लैपटॉप बैग है, 1400 है। लैपटॉप बैग जो है ये बिल्कुल प्योर लेदर में होता है। गोट, सीप, कैमल, बफेलो, इनकी स्किन का आइटम है मेरे पास। ये जो सामने जो बैग लगे हुए ना, कोई गोट है कोई शीप है। ये देखिए, ये लगा ना ब्राउन वाला ऊपर जी, वो है शीप स्किन, 2400 रुपए का। ये गोट स्किन है, ये 2200 रुपए का छोटे पीसेस में। इसका प्राइस बता रहे हैं 2400, 2200 और 2100, 2000, सभी मतलब 2000 से लेके 2500 इस रेंज में। बाकी कह तो ये रहे हैं कि प्योर लेदर है, देखने में लग भी रहा है यार, पीयू तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी है। हैंडीक्राफ्ट हो गया, बैग हो गए, ये झुमके वगैरह की दुकानें होगी, कपड़े की होगी, जूट हो गया, लेदर हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, यही मेन अट्रैक्शन है इस मेले की। और अलग अलग स्टेट्स की जो जो स्पेशलिटी होती है उसके हिसाब से दुकानें हैं, यही रिपीट होती रहती हैं यार। कोई छत्तीसगढ़ की जिस तरह छत्तीसगढ़ की है, कोई पंजाब की है, कोई उड़ीसा, कोई आसाम, कोई बिहार, झारखंड, लाइक वाइज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यही तीन शब्द कह सकता हूँ मैं। बड़ी अच्छी पेंटिंग करी है, क्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, लुक एट दैट। भी बनाते हैं खुद अपने आप से? कितना टाइम लग जाता है एक पेंटिंग में? आठ घंटे की सीटिंग देने पर एक दिन लग जाता है एक पेंटिंग में, तो बड़ी वाली नहीं। आठ घंटे की सीटिंग में एक दिन, मतलब एक पूरे आठ एक दिन के अंदर आठ घंटे सीटिंग देते हैं ना? अच्छा, आठ घंटे की। हाँ, तो एक किस चीज़ से बनाते हो? कलर्स? ऑयल कलर्स। ऑयल कलर्स,
तो नीचे कपड़ा है ये वेलवेट क्लॉथ है और अच्छा तो आपको कितना टाइम हो गया इस काम में 35 ईयर ये देखिए प्राइस टैग भी दे रखे हैं 650 1200 ये है भी यार बड़ा ना 650 लाइक वाइज 650 कोई 300 का है so much to the poltergeist trying to hold on to love but it's frost and ice time much but a light from a falling sky apply to the forces above us like keep holding on to this present time inspired by the ones that were left behind us we fell for the light of a falling sky applying to the forces above this life. मैंने आपको मेन मेन सारी चीज़ दिखा दी हैं, यही है यार गीता जयंती के अंदर हैंडीक्राफ्ट है और यही दुकानें हैं, बाकी जब तक आप खुद नहीं आते तब तक क्वालिटी मेजर नहीं होता। मैं तो दिखा ही सकता हूँ, चीज़ को परखना लेना एक अलग चीज़ है। तो आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे दो दिन और रह गए हैं और शायद ये वीडियो आते आते संडे से आगे का टाइम हो जाएगा। तो जस्ट ए शेक आपको नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ ये कि कभी आप गीता जयंती फ्यूचर के अंदर सोच रहे हैं तो आप विजिट करने से पहले थोड़ा सा इस जगह के बारे में जान लें, देख लें। दैट्स ऑल, यही था। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।